फूलों जैसे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपने टॉप्स कलेक्शन दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पर्ल के टॉप्स हैं। अगर आप पर्ल के टॉप्स लेंगी तो ये अच्छा होगा, ये भी हर सूट के साथ चल जाते हैं इजीली। साथ इसके आप पर्ल वाली रिंग भी ले लेंगे तो ये भी अच्छा होगा। पर्ल वाली ज्वेलरी जो होती है ना, वो हर ड्रेस के साथ आपके चल जाती है और आप काफ़ी डिसेंट लगते हैं। देखिए, इसलिए मैं पर्ल वाली ज्वेलरी लेती रहती हूँ। इसके साथ पर्ल वाली वो गले में डालने वाली है, गानी सी, वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ये आप सिर्फ टॉप्स भी पहन सकती हैं साथ चेन के गोल्ड की। देखिए, बस इन चीज़ों को हिफाजत से रखना होता है थोड़ा, तो ख़राब नहीं होती है, साल साल चलती रहती है। मैं भी सिर्फ जब पहन के तो फ़ौरन संभालती हूँ इनको। ये देखिए टॉप्स, ये भी 3-4 साल पुराने हैं। हर ईद पे एक चीज़ मैं ले ही लेती हूँ कुछ ना कुछ, तो काफ़ी अरसा वो चल जाता है। देखिए, नग ज़रा देख के लिया करें बस, इसके तो ठीक ही हैं। ये मेरे झुमके हैं, ये कैजुअल तो नहीं पहन सकते। वैसे मुझे झुमके बहुत पसंद है, ये किसी की शादी हो तो फिर। ये भी इंडियन ही है, ये ना ये कभी ख़राब नहीं होते, ये इनकी बस क्वालिटी है। फिर ये भी पर्ल, ये भी पर्ल के, ये भी 3-4 साल पुराने हैं। हर ईद पे एक एक पीस ले लिया करे। ये पिंक, पिंक इसका नेकलेस भी है, वो मैं रहता से दिखाऊंगी जब सेट। टॉप्स, ये सिल्वर है। वैसे मुझे तो गोल्डन ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये कोई सूट होगा उसके साथ लिया होगा ना। सिल्वर तो मैं कम ही पहनती हूँ। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी ही कलेक्शन ही दिखाऊंगी आपको मैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का शौक़ है, हॉबीज़ है मेरी। तो मैं फिर लेती हूँ तो कोई प्यारी सी चीज़ ही लेती हूँ, तो ये मुझे सबसे फेवरेट लगते हैं। तो अगर पहननी नहीं भी हो तो मैं इनको निकाल के देख के ही खुश हो जाती हूँ। तो जब आप भी जब बोर हुआ करें तो अपनी ज्वेलरी निकाला करें और उसको देखा करें कितनी प्यारी है। अभी नेकलेस भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। तो फिर इजाज़त दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।